जब हम देखते हैं सूफी सूफिया कराम की जो जिंदगियां हैं ले उठ बायोग्राफीज हैं तो ये, ये इंसान दोस्त मसल की एक मिसाल है मिसाल, मिसाल, मिसाल। और हम देखते हैं कि वो हमेशा से यानी रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी हैज़ ऑलवेज बीन द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ सूफी ट्रेडिशंस ये एक ट्रेडिशन की मतलब तमाम सूफी ट्रेडिशन जहाँ कहीं भी हैं उन सब कह रहा है और ह्यूमन राइट्स आर इनफैक्ट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ देर डिग्निटी तो ह्यूमन राइट्स और जो ह्यूमन डिग्निटी को सबसे बढ़कर जैसे कि इंसान कामिल के मौजू पर बहुत सारे सोफिया कराम ने, करीम जेली ने शहीद मुर्जा मतहरी ने इमाम खमेनी ने सही महम्मद मरब ने बहुत सारों ने कुछ ने मबसूद किताबें लिखी हैं कुछ ने बहुत सारी मवाद लिखे हैं तो यह है कि इंसान की क्या अजमत है उसको उस अजमत तक पहुँचाने के लिए ये सोफिया कराम का एक मिशन है तो उसमें हम देखते हैं कि सोफिया इसके मुताबिक इस्लाम किसी की तनसीख नहीं है बल्कि तकमील है अधियान साबिका की कलमिनेशन है सबलिशन है कैंसिलेशन नहीं है तो इसमें हम देखते हैं कि तमाम अदियान आलम में रूहानी जो वो मौजूद है, और कुरान करीम की जो आयत है वजहत इसकुन तुम अदाफाल बिनूबिकुम फासबा तुम बहुमतान और ये मज़हब का असल मुद्दा ही है मुद्दा क्या है याद करो उस परवरदिगार की उस नेमत का जब तुम दु, आ, दुश्मन थे आपस में तो परवरदिगार ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी और ये उल्फत इसकी वजह से तुम भाई, भाई भाई बन गए भाई बहन बन गए एक फैमिली बन गई तो इस्लाम का जो मुद्दा है वो इस आ, उल्फत की उस भाईचारेगी की उस पैगाम को जो है प्रमोट करना है और सूफी ट्रेडिशन इसी आ, उस फेमिशन पर पे जो है गामजन है जब हम सूफी लिनेज की बात करते हैं जो नबाशी सूफी आर्डर है ये दरअसल फैगम इस्सम और सुफा के जो दरसगाह है उस दरसगाह से जा मिलती है और इसका जो सिलसिला मरूफ सिलसिले हैं वो मारूफिया था पहले हजरत मरूफ़ी करखी के नाम से फिर जुनेुनेुनेुनेदिया हज़रत जुनेद बगदादी के नाम से फिर शहरवरदिया फिर कुब्रवैया नजमुद्दीन कुबरा के नाम से फिर हमदानिया मिर सैदा हमदानी के नाम से और फिर नूरबख्शा मीर सैद मोहम्मद नूरबख्श नबर मरकद के नाम से तो ये उसी की एक शाख है उसी मेन स्ट्रीम जो सूफी आर्डर्स है उनकी एक शाख है और इसको अमूमन द गोल्डन चेन भी कहा जाता है सिलसिला कहा जाता है तो जो नरबशी सूफ़ी सो, स्कूल ऑफ थार्ट है ये बाकी सूफी मसालिक से एक ज़मीन में थोड़ा सा डिस्टिक है और वो डिस्टिकशन इसलिए है क्योंकि इसका अपना फी मसलक है मीर सली नूरब ने अलफ़तुलहवद के नाम से एक किताब लिखी है मशहूर किताब लिखी है फ्कही किताब है और उस किताब के बारे में कहा जाता है कि ये किताब बैन सुन्नी व शिया यानी कि अल तसन शिया के जो मेन स्ट्रीम वो हैं उन दोनों की जो कामन हैं उस पर बेस करती हैं इसके बहुत सारे मिसालें भी हम थोड़ा सा आगे जगह जिक्र करेंगे और इसके साथ ही इसमें जो स्परिचुलिज़म है उसमें एहतिकाफ़ है ज़िक्र है और इस वक्त अल्लाह के फजल करम से पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में मसाजिद और खानकाहें औरबशी मौजूद हैं जहाँ पर लोग बाकायदा एतकाम में बैठते हैं चालीस चालीस रोज़ा एहतिक करने वाले भी मौजूद हैं और दुनिया के सबसे बुलंद तरीन खाम इस वक्त खबरों में मौजूद हैं जहाँ पर बाकायदा चालीस रोज़ा एहतिकाफ की मजलिस होती है और एहतिका का तरीका भी रात भर शबेदारी दिन भर रोज़ा और कंटिन्यूस और ज़िक्र भी करते हैं तो प्रैक्टिशन यहाँ भी मौजूद है इधर मस्जिद में भी आप में से अगर कोई चाहें तो जुमरात के मेरे ख्याल में नायट महफिल जिक्र जमती है देख सकते हैं और यह अमूमा बल्थिस्तान में मौजूद है फिर लद्दाख करगिल में मौजूद है और बाकी जगहों पर भी मौजूद है मीर सा मोहम्मद अल्वा जो इस सूफी आर्डर के बानी हैं आप पंद्रहवीं सदी के एक सूफी बुजुर्ग थे और इनका जो असल मकसद था वो एक मॉडरेट प्लुरलिस्ट सूफी स्कूल ऑफ थॉट इन इस्लाम और मिर्जा शाहरुख तैमूरी की जुल्म तशद के बाद और आपको पता है जब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ जाना चाहूँगा उस तरफ से सलेबियों के हमले इस तरफ से तातारियों के हमले और ये हमले क्यों हो गए तातारी हमले के वक्त हमें पता है तारीख बताती है तार यहाँ से मौजूद हैं कि इस्लामी मसालिक फ़िरके फिर खबारियत की इंतहाओं पर पहुंच चुकी थी और आपस में इतने लगे हुए थे इतने उलझे हुए थे मामूली मामूली बातों पर कई दिनों के लिए दारुल इमारत में जो है बहसें चलती थी और उस बहस के एन बीच में ने ता हमला किया और सुकूत बगदाद हो गया तबाही की वो हालत हो गई डॉक्टर गुलराम जरान बर्ग के मुताबिक तीन करोड़ किताबें जला दी गई या दरिया में बहा दी गई बिल्कुल यानी कि उम्मत मुस्लिमा का जो फिर खबारियत की वजह से उसको तबाह कर दिया गया इसके बाद उसके रिवाइवल के लिए नजम्दीन कुब्राह जो उसी उसमें शहीद हो गए उसी जंग में फिर अला समनानी फिर सैद अहमदानी उसने यानी कि रिवाइल की एक तहरीक चलाई उस रिवाइवल की तहरीक में कलमिनेशन सोफिया नरबशिया का एक आ, मिशन आया तो मी सुरब ने अपने आप को उस मॉड्रेशन के उस पर लाने की कोशिश की वो एक यानी कि बेचैनी थी तड़प थी कि फिर कबालियत के ख़िलाफ़ कैसे काम किया जाए जी तो जो नरबी सूफिया अडर के बारे में प्रोफेसर ग़ुलाम मेहदी जो है वो कहते हैं कि और हसनू दोनों उसको सैड करते हुए देर आर थ्री ग्रुप्स फर्स्ट कंसिडर हिम सुन्नी इनकी नूरब के बारे में कहते हैं सेकेंड डिक्लेयर हिम शिया एंड द थर्ड डिक्लेयर हिम हैविंग एन इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ थाट और इसी तरह मौलवी नजमुल ग़नी द दशक ऑफ इसज़ाम में इकबाल फारूकी और बाकी लोग जो है वो भी कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि इन सोफिया कराम को किसी एक फिर वाराना मसलक में फकी मसलक में बाउंड नहीं किया जा सकता ये आफाकी लोग थे और इनका पैगाम सबके लिए था जी नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज अब नुरब्श बजात खुद क्या कहता है उसने जो सूफी मसलक पेश किया है उसके बारे में नुरबश खुद फरमाते हैं वालम अन मजहब सोफियत हुआ मीज़ानमस्तकीम व तरीक़िलहक वल यकीन लई सफ़ी गुलू वला महीन ولا نقص ولا مزيد ولا إفراط فيه ولا تفريط سبيلا سبيلا سبي. سبيل. be it known that the faith of Sufia is the firm balanced belief, balanced path, the path of truth and certainty in which there is no extremism. in any form, neither excessive nor repressive. this is the path of equality. तो सूफिया नरबा शाह इस वक्त जो मौजूद है वो एक इस्लामी फ़िकी मसलक के तौर पर और सूफिया आर्डर के तौर पर यानी कि इन दोनों के हैसियत में मौजूद है पल्लिस्तान में मौजूद है और आ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है ये जो अभी हमने जिक्र किया कि स्कूल अगलाद के बाद जब सेशन हो गई उसके नतीजे में जो है उबरने का एक तहरीक ता, ता, थी ये जो किताब की मैंने ज़िक्र किया अलफ़तलहमद ये मेरे सफीरबाश जो किताब लिखी है उसके जो देबाचे में फरमाते हैं इला अमारानी अन्फ अलखिला मुम्बिलकाफ़त अहल आलम मुझे हुक्म दिया गया है यानी कि मैं मामूर हूँ उम्मत मुस्लिम से और पूरी दुनिया से जो अख्तिलाफ़ात हैं जो तशद हैं जो दूरियाँ हैं जो नफ़रतें हैं उनको ख़त्म करने के लिए जिनकी बेस पर फिर वाराना जो है हवाएँ चल रही हैं और इस वक्त पाकिस्तान में अगर देखेंगे तो ये पैगाम कितना एक जामी कितना एक नजात पैगाम हमें देखने को मिलती है ये जो नखशिश इस वक्त मौजूद है उनके बारे में मुख्तलि जो महकिन हैं उनका कहना यह है अलमजिद का कहना है कि नख्श फाउंड ए मिडिल पाथ बिटवीन द शियाज़ एन सुनदियादरबिक डिक्शनरी का वह है प्रोफेसर मेहदी कंकलूड करता है अपने पी एच डी थीसिस जो सिलसिला पे है Apart from all these evidences, according to my opinion, their independent status as Sufi sect has to be accepted. Sayyid Muhammad Nurbash guided a moderate path apart from extremism. He introduced uh, to respect all Muslims equally. इसी तरह डॉक्टर अबू तुराब कहता है कि जो नुरबश इस वक्त हमारे यहाँ मौजूद हैं सैम नुरबश पास्ट ऑन द सेम कल्चर एंड टीचिंग्स ऑफ द वेरी रूट्स ऑफ मोहम्मद

बिटवीन शिया एन सुना ग्रेजुअली डिसऐपियर फ्राम कश्मीर एज़ वेल एज फ्राम इरान बट इन पक्िस्तान द आर्डर वाज प्रोटेक्ट बाई जोग्राफिकल एंड कल्चरल बेरियर्स तो ये पहले जब दौरे जवाल और उर्व आता रहता है तो एक दौरे जवाल आया उसमें तकरीबा वहाँ से डिसपेयर हो गया एज़ फेकी स्कूल ऑफ थाट क्योंकि वो फ़ा वाराना उसकी वजह से तो फार नशी जो नशु खु थे वो नुराशु क्या समझते हैं उनके ख्याल में एक रिफ़ार्मर हैं मुज्तहिद हैं और इमाम हैं जैसे कि इमाम अबू हनीफा अहमद इमाम शाफिर है तो इस तरह एक फ़िक़ी इमाम भी हैं और सूफी हसैन भी हैं जी अब हम देखना चाहते हैं कि जो नोफी सूफी आर्डर के ह्यूमनिस्ट अप्रोच क्या है जी दिलर्स ऑफ सूफ़ी नुरवासी सूफ़ी आर्डर इनमें हजरत अहमद ग़ज़ाली है नज़बुद्दीन कुब्रा है अब्दुलरहमान असफ़रानी है अला समनानी है अभी सैद हमदानी हैं और सै महमद नवाश खुद हैं असिरी लाहेजी हैं जिनका ईरान में जो लिटरेचर बहुत मशहूर है इन सब ने जिस तरह से इस सूफ़ी आर्डर के टीचिंगस को प्रमोट किया है उनको हम देखना चाहेंगे और ये सब देखते हैं कि क़ुरान सन्नत और अहलबेद इन दोनों को साथ लेकर एक प्लूरलिस्ट और ह्यूमनिस्ट अप्रोच पैदा करें आगे चलेंगे तो कोटेशन हो जाएगी हजरत सैदानी की किताबल फतूह में और हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा जो है अपने एक आ, रिसाले में फरमाते हैं अल-ख़الق डियरेस्ट टू अल्लाह इज़ वन इज़ मोर टू हिज फैमिली ये दरअसल वो रूट है रूट है सूफी ट्रेडिशन की जिस तरह सूफी रूमी फरमाता है लव एंड टेंडरनेस आर क्वालिटीज ऑफ ह्यूमैनिटी पैशन एंड लास्ट आर क्वालिटीज ऑफ एनिमिलिटी तो ये इस सूफी आर्डर की जो है हैं। इसी तरह शेख मजिबुद्दीन कुबरा फरमाते हैं एक हदीस कोट करते हैं और वो सदर रमनानी भी यही कोट करते हैं अतरुख अल्लाह ही बे आदादी अनफास ख़लक अल्लाह तक जाने वाले रास्ते अल्लाह तक पहुँचने वाले जो रास्ते हैं, इंसानी सांसों की तैदाद के बराबर है और हमारे वहाँ इस वक्त मसला सबसे बड़ा पेचिदा मसला यही है जो सिर्फ मेरे साथ मेरे रास्ते पर चले तो वो कामयाब है वगरना नहीं है इसी ने सब गड़बड़ करके रखा है मंजिल एक है कोई जहाज़ पर जाएंगे कोई गाड़ी पर जाएंगे कोई बस पर जाएंगे कोई पैदल जाएंगे और रास्ते मख्तलिफ हो सकते हैं तो इन मुख्तलिफ रास्तों को अप्रिशिएट करने की जरूरत यह डाइवर्सटी है ये तनवा है ये कोई इख्तलाफ ये कोई दुश्मनी ये कोई एनिमिलिटी नहीं है जी तो इस तरह के जो थाट्स हैं वो बहुत कारउनलेस हैं अब ये जो जितने पाथ्स हैं सूफी पाथ्स कहते हैं इस तरह सलासिले तसव्वुफ हैं हम देखते हैं कि दीगर जो फीकी आर्थोडॉक्स या ट्रेडिशनल उसमें देखते हैं तो थोड़ा सा अनाथ नजर आ जाता है लेकिन जब सूफी सिलसिलों में आ जाते हैं तो तमाम सिलसिलों को जो है बड़े रिस्पेक्ट से बड़े उससे जो है याद करते हैं और ये समझते हैं कि ये गुल्हाय रंग रंग हैं इस चमन के जब हम सिलसिले नुरबश की तरफ आ जाते हैं तो मीर सैदरमदानी मीर सैम्ला एक फरमाते हैं कि जो अमर मरूफ व नहीं अनिल बुनकर है ये एक मोटो है पूरे नुरबशी सूफिया ऑर्डर का यूँ समझ लें ये नारा है ये बुनियाद है ये विजन है ये मिशन है अज़ीम अमर ला व शफकत आला खलकल्ला हुक्म खुदा की तज़ीम और खल के खुदा पर शफकत और फ्र अहमद में ही फरमाते हैं कि बबा मुनकर में कि आपके न अमन मरूफ अल-मुनकर का मुद्दा इसके सिवा कुछ होना ही नहीं चाहिए यानी कि बेसिक बुनियाद क्या है अमरे खुदा की तज़ीम और खल खुदा पे शफ़कत अब हमने ये देखना है कि हम खल खुदा के पर कितने कितने शफीक तो वल् हसन हजनू साहब से अहमदानी के एक वो कोड uh, नोट करते हैं बहुत खूबसूरत प्रेशंस uh, हैं इसको तर्जुमा करने की कोशिश की शायद वो हलावत uh, अंग्रेज़ तर्जुमे में ना हो लेकिन औरिजिनल uh, आप देख लीजिएगा नेवर टीज पीपल ऑलवेज वाइट फ्राम एक्स दैट हर्ट सम हार्ट नेवर बी कंडेड फ्राम सीकिंग स्परिचुअल नॉलेज डोंट फॉलो द विशफुल लास्टफुल सेल्फ ऑलवेज एब्सटेन फ्राम क्रॉल्टी सेक्शुअल मिसकंडक्ट टेलिंग ए लाई ट्रेचरी एंड बेकटिंग और ये वो नसीहतें हैं जो मीर सैद रमदानी ने अपने मुरीदीन को वसीयत के तौर पर फरमाई यू मस्ट एक्ट ऑन दीज मैक्म्स योर सेल्फ एंड इंश्योर कम्प्लाइंस ऑफ योर चिल्ड्र मी सदैद रमदानी जख्रतमल में एक जो हदीस हम अमूमन इसका पहला हिस्सा सुनते रहते हैं इसका मुकम्मल हदीस जो है कोर्ट फरमाते हैं अलमुस्लिमु मन सलीमालमसलिमु ने बिल्सान ही वैया दही मुसलमान वो है जिसके ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें फिर अगला स्टेज क्या है इसके बाद वलमो अमिन अमीन उन्नास मोमिन कौन है जिसकी वजह से अमन पैदा हो जाए इंसानियत पुरान महसूस करें और अमन को इंश्योर भी कर लें और फिर फरमाते हैं अमन उन्नास अला दमा व अमाल अंदाज़ा करें उनके खून और माल की जो है ना वो अमीन हो वो मुहाफ़ हो वो अमन को इंशोर करें और मुजाहिद कौन है मुजाहिद क्या वो है जो किसी आबादगाह पे बमबारी करते हैं क्या वो है जो किसी को पकड़ के वो कर देते हैं ये मुजाहिद नहीं है सूफी जो अपने नफस के साथ जहाद करता है कश्मकश करते नफसे उस खुद गर्जी को उस सेल्फिशनेस को उससे जो है ना जहद करता है तजीम अमन के लिए और महाजिर कौन है वलमहाल जुनूब महाजिर वो है जो गुनाहों से और गलतियों से जो है ना हिजरत करके नेकी की तरफ चल पड़े जी नेक्स्ट तो इंसान के बारे में उसूल अकायद में एक मास्टर पीस मौजूद है यानि कि इंसानी अजमत इंसानी के हवाले से वो ज़रा देख लेते हैं जी नेक्स्ट इंसान कौन है उसकी अजमत के बारे में यानि कि ये ल अकद का जो देवाचा है आप अरबी माशाल्लाह से बहुत सारे होंगे अरबिदान होंगे इस फसात बलागत को तो अगर हम छू भी नहीं सकते इसीलिए अरबी टेक्स रखा है अलहदिल्लाज़ी करम बनी आदम बिल नफ्स नातिका शुक्र उस पागजात के लिए जिसने बनी आदम को फजल किया यानी कि तक्रीम दिया नफ्स नातिका के ज़रिए लिलकलियाती जो जो यानि कि लाजिक को समझने के हवाले से वह फजल बिल्लूम नाफ़ियाती और इसको फजीलत बखशी न के यानि कि फ़ायदेमंदूम فائدمن علوم کے وجہ سے انسان کو وہ عظمت بخشی والاعمال الصالحه الحاکیه من الاخلاق الحمیده على سائر الكائنات والصلاه على الذين شرّفهم بالعقول الكامله والنفوس الذاقيه والقلوب الصافيه القابله لعقوس التجليات تو یہ اپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام یعنی کہ ائیڈیاز انٹو لینگویج اینڈ स्पीचेस एंड स्टीम देम اسیم देम अपॉन द यूनिवर्स विद یوز نالج

इनका शुरू हो जाए एंड दे आर चोजन विद द डिवाइन सरेशियल इंस्परेशन सच एस और ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए कल वही कलवाही इल्हाम, इल्हाम, मुशाहिदात मुशाहिदातमबा ये सारे इन्हीं लोगों के लिए हैं जिनके नफूस पाक हैं जहन मुकदस हैं और इनके अरवाह और दिल आ, बिल्कुल शीशे की तरह साफ व शफाफ है इस तरह दूसरी किताब में जो है इंसान इनसा, कामिल के बारे में ये कुछ फरमाते हैं द देंड्स ऑफ द क्रिएटर विद द पेन ऑफ लाओ जीव द इमेज ऑफ आदम्स बॉडी मोहब्बत की कलम से लिखी गई है इंसान को और ये भी कहा जाता है कि इंसान लफ्ज उन से निकला है मोहब्बत की कलम से लिखा गया है लिहाजा उसके खासा है अगर उसमें से उनका मादा निकाल दें तो फिर उसको इंसान नहीं कहला सकता वो फिर इंसानियत के उस पर नहीं होंगे एंड देन द डिसेंडेंट्स ऑफ आदम

यहाँ इंसान कामिल का एक वो नोशन है और उसके बारे में रूमी के जो खूबसूरत अल्फाज हैं आम से अक्सर वाकिफ़ होंगे पहले मैं पत्थर था जमादात की सूरत में पता नहीं चला क्या हूँ इसके बाद मैं सब्ज़ा बन गया और सहराओं में महकने लगा इसके बाद मुझ में जान आ गई और मैं ज़रा चलने फिरने लगा ज़रा जानवर बन गए लेकिन इंसान अभी तक नहीं बना इसके बाद फिर मैं इंसान ये एवोल्यूशन की थ्योरी है जिसे रूमी ने फरमाया और इकबाल ने उसको कोट किया है अब वो जो एक सफ़र बता रहे हैं वो ये फिज़िकली उस मीनिंग में नहीं है ये स्परिचुल मीनिंग में है स्परिचुल मीनिंग में है स्परिचुलल एवोल्यूशन के हवाले से और फिर आगे क्या फरमाते हैं अब मैं इंसान हूँ इसके बाद मलयक बन जाऊँगा इसके बाद क्या होगा फिर क्या होगा फिर कहते हैं क्या आप ये समझते हैं कि ये इंतहा नहीं है उसके बाद में वो बन जाऊँगा जिसका तो तस्वुर भी नहीं कर सकते जिसके इस वक्त हम इमेजन भी नहीं कर सकते तो ये जो इंसान कामिल के तस्वर हैं ये उस पूरे किताब में यानी कि मुख्तलफ़ उसमें मौजूद हैं अब जब हम फेक की तरफ़ आते हैं जो नरबशी फेक है तो फेक किसे कहते हैं लहुम क्लूबहून अभियात से आ जाते हैं यानी कि सोचने समझने की वो वबा अलूबह ला याफ़ कहून यानी फेक मतलब किसे कहते हैं उस आ, सेंस में अब जो नरबशी फ़ेक है उसके बारे में हम देखना चाहेंगे जी फम बगी तो जो फेक के बारे में है वो ये कहते हैं कि जी अलमीज़ान तो जो बहुत मख्तसर भी नहीं बहुत तवील भी नहीं तो अलमीज़ान यानी कि बीच वाला रास्ता मॉडरेट रास्ता और इसमें जस्ट मैं दो तीन मिसालें अर्ज करना चाहूँगा मिसाल के तौर पर नरवशी मसल के मुताबिक नुरवशी सूर्या के मुताबिक हाथ का पाऊँ का धोना भी जायज़ है पाओं पर मसा करना भी ठीक है हाथ बांध के भी पढ़ सकते हैं खोल के भी पढ़ सकते हैं दोनों सूरतें बिल्कुल यकसा तौर पर एकप्टेबल हैं इस तरह बहुत सारे और भी वह हैं जिसमें यानी कि एक्सेप्टेंस है जवाब है जो आ, इस्लामी फ़ोहों में वो है एक्सेप्टेबल है वह हैं जी आगे आखिरी दो वह हैं और ये एक कोटेशन है जिसमें ये फरमाते आते हैं कि जो आ, उसूल यानी कि कुरानी उसूल के मुताबिक अल्लाह पर मलाइक पर कुतुब पर रिसालत परम आखरत पर ईमान लाए और कलम शहारत पढ़े तो किसी बंदे के लिए जायज़ नहीं है कि ऐसे शख्स को कुफर को फतवा दें अगर कोई फतवा देता है तो वो जाहिल है कुफर को फतवा नहीं देवन इन लोगों को अगर कोई गाफिर कहते हैं तो हम उनको जाहल कहेंगे हम गाफिर क... नहीं कह सकते जी आखिरी दुआ कर रहा था कि टाइम का वो है आगे चलेंगे ये जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि पाउन धोने का और इस तरह के के बारे में है और हाथ के उसके बारे में मतन है ये सोफ़ी प्रेयर है आखिरी दुआ है तो हम सब मिल के इस दुआ को पढ़ने की कोशिश करते हैं और ये दुआ ताजिकिस्तान के जो सिक्का है उस पर नोट है ताजिक जबान में है लिखा हुआ है हम इसका तर्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये इसका फारसी वो भी है मेरी शायद हमदानी कहा नेक्स्ट हर की मारा यार याद, करत, मरा उब, आ, याद कर इज्जत माराओ याद याद बात हर के मारा खार कर तो अज उम्र बर खुरदार बा हर के अंदर राह मा खारे फिगंद अज दुश्मनी हर गुल अजबाग वे खार बोस् रिम्बर अस मे आल माइटी बी देर फ्रेंड्स दोस्त हू डिजर्टेड अस दे मे हैंग लॉन्ग लाइफ दोस्त हु आउट ऑफ एनमिटी ग्रीव थे May the flowers of their garden of rejoining be without thorns. In both worlds, we have no animosity with anyone. Whenever conflict afflict us, whoever afflict us, may their comfort be counted.